हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो 12th का रिजल्ट कल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होगा, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ है कि किस तरीके से आपका थ्योरी मार्क लिया जाएगा, किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल मार्क लिया जाएगा। तो कल मैं एक वीडियो भी फॉर्मेशन किया था उस पर और आपको बताया था कि किस तरीके से आपका रिजल्ट रहने वाला है, लेकिन उसमें बहुत लोगों को परेशानी आ रही थी कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, क्योंकि वहाँ पे देखो प्रैक्टिकल और जो आपका थ्योरी का जो मार्क है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि किस तरीके से आपका रहने वाला है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको मैं पूरा किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल मतलब रिजल्ट फॉर्मेशन करेगा, प्रैक्टिकल का मार्क किस तरीके से लेना है, 10th का मार्क किस तरीके से लिया जाएगा, 11th का किस तरीके से लिया जाएगा, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, देखो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये 80-20 इस तरीके से आपका दिया हुआ है, और प्रैक्टिकल मार्क जो है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखो ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है बहुत सारे कॉलेज में हो गया था और बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी हुआ था, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी लड़कों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है आप क्या करो, उसको किसी भी तरीके से कंडक्ट करवाओ। ठीक है ना, और देखो 12th में मैंने आपको बताया था कि आपका 40% लेने वाले हैं वो सब। ठीक है, तो 40% में क्या है, आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम हो गया और आपका जो यूनिट टेस्ट था, इस तरीके से जो भी आपका असेसमेंट था वो लेने वाले थे, लेकिन उसमें क्या है ना कि स्कूल में एक कमेटी बनाएंगे, वो 5 या 7 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी को डिसाइड करना है कि हमें जो मार्क लेना है वो यूनिट टेस्ट से लेना है कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम से उससे लेना है। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगी आपकी कमेटी, और जनरली जिसका मतलब ज़्यादा स्कोर होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों का जिसमें जिस एग्जाम में ज़्यादा होगा वो उसी को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है ना, तो वो स्कूल की तरफ से लेगा। तो मैं आपको 10th और 11th का किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आपका मार्क उसमें से 100 में से रहता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम थ्योरी का अलग से लेंगे, प्रैक्टिकल का अलग से लेंगे। ठीक है ना, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से रहेगा आपका रिजल्ट फॉर्मेशन किस तरीके से रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये आपका 12th का रिजल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं आपको सब्जेक्ट भी बता के चल रहा हूँ कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, तो ये सब आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो आखिरी वाला जो रहेगा वो कुछ लोगों का IT होगा, किसी लोगों का CP होगा और कंप्यूटर साइंस होगा, कुछ लोगों का फिजिकल एजुकेशन होगा, और ये मैथ्स की जगह पे कुछ लोगों का बायोलॉजी भी होगा। ठीक है ना, तो मैं एक रफ डेटा लेके चला हूँ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन का, और ये मार्क जो होता है इंग्लिश का आपको पता होगा 80 और 20 मार्क का रहता है। ठीक है, फिजिक्स आपका 70-30 रहता है, केमिस्ट्री आपका 70-30 रहता है, मैथ्स आपका 80-20 रहता है, और फिजिकल एजुकेशन फिर से आपका 70-30 रहता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल के मार्क भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपका जो ये जो सब्जेक्ट के जो मार्क है उसको भी मैंने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब रिजल्ट फॉर्मेशन किस तरीके से होगा उसको सुनो, इसमें बहुत लोगों को डाउट आया है, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है और यूट्यूब पे भी मैसेज किया है कि सर हमारा रिजल्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इस मेथड से आपका जो भी मार्क रहेगा उसको एक पेज पे लिखिए और खुद घर में बैठ के आप रिजल्ट अपना कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिकल मार्क अपना पता होना चाहिए और जो आपका यूनिट टेस्ट या फिर जो आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम जो हुआ था 12th में वो पता होना चाहिए आपका बस। ठीक है, तो देखो 10th में आपको मैंने बताया था कि top 3 सब्जेक्ट लेना है, तो समझ लो आपका जो top 3 सब्जेक्ट है उसमें 89 मिला एक में, 90 मिला एक में, 91 मिला, और ये जो सब्जेक्ट रहेंगे ना ये आपके कोई भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, जैसे कुछ लोगों का देखो CBSE बोर्ड होगा, कुछ लोगों का हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड होगा, अलग अलग भी हो सकता है, और कुछ लोगों का CBSE भी होगा, तो समझ लो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 89, 90, 91, मुझे समझ लो 89 मिला मैथ्स में, 90 मिला साइंस में, और ये जो 91 मिला ना ये सोशल साइंस में मिल गया। ठीक है, तो जो top 3 रहेंगे वही लेना है आपको, कुछ लोगों को मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा कंप्यूटर वाले में था, तो कोई बात नहीं उसको लेना है आपको। ठीक है, top 3 लेना है, मतलब top 3 लेना है, ऐसा नहीं है कि मैं सब्जेक्ट में देखूंगा। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स वालों का भी यही तरीका है, तो सेम जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप ले लीजिए, top 3 जो भी मार्क रहेंगे। ठीक है ना, तो 89, 90, 91 ये ले लिया मैंने, तो ये तीनों भी आपका 100 में से मैंने लिया है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट जो बना होगा ना 10th का वो डायरेक्टली लेंगे वो, और वो आपका पूरा क्या बोलते हैं 100 में से मतलब 100 मार्क में से लिखा होगा आपका। ठीक है, और अगर वो 80 में से लिखा हुआ है तो आप उसका सीधा 30% निकाल लीजिए। अब 30% निकालते कैसे वो मैंने यहाँ पे नीचे में डिस्कशन किया है, मैं यहाँ पर 100 में से निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट में आपका सीधा 100 में से मार्क दिया हुआ रहता है, जिनका प्रैक्टिकल अलग थ्योरी अलग दिया हुआ है तो वो आप अपना उस तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, मैं 100 में से ले रहा हूँ, तो समझ लो देखो 89, 90, 91 ये मिल गया आपको, इसका अगर आप तीनों का ऐड करोगे तो 270 आएगा, और ये टोटल आप ले लोगे तो कितना आ जाएगा 300, तो 270 को डिवाइड करोगे 300 में से कितना आएगा 90 मार्क आएगा, मतलब आपका एवरेज मार्क है 90। इसका मतलब ये क्या है कि 100 में से मुझे कितने मिले, 90 मिले, तो मैंने क्या किया 90 को डिवाइड कर दिया 100 से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 21 से। ठीक है, और यहाँ पर देखो 90 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 100 से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, क्योंकि देखो हमारे पास दो चीज़ है, एक 70 वाला है एक 80 वाला है। ठीक है ना, तो अगर आप 80% निकालोगे, मतलब 30 का अगर आप 80% निकालोगे तो कितना मार्क हो जाएगा 24 में मार्क हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 70% में निकालोगे तो आपका क्या बोलते हैं 70 मार्क, मतलब 70 में से अगर आप 30% निकालोगे तो उसका कितना हो जाएगा 21, इसलिए आपको दो मल्टीप्लायर करना है, एक 21 एक आपका 24। ठीक है, तो 21 24 करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18.9 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जो भी रहेगा ना उसको आप पूरा लेके चलो, क्योंकि जो 10th वालों का जो रिजल्ट था उन्होंने उसमें बताया था ऐसा कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएगा उसको आप पूरा कंसीडर करके चल सकते हो। ठीक है ना, तो 18.9 है उसको मैंने पूरा 19 ले लिया है, और ये जो आपका 21.6 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसको मैंने 22 कंसीडर कर लिया है।
ये 19 आया है आपका 21 में से, और ये 22 आया आपका 24 में से, समझ में आ रहा। तो देखो ये 70 मार्क, ये आपका 80 मार्क वाला है, ये जो मैंने नीचे लिखा है ना ये आपका 80 मार्क वाला है, ये जो है आपका कैसा है ये 80 मार्क वाला है, और जो ऊपर वाला जो है ना ये 70 मार्क वाला है, ठीक है। ये 80 मार्क के करस्पॉन्डिंग है और ये आपका 70 मार्क के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। मतलब जहाँ जो पेपर आपका 12th में 70 मार्क वाला रहेगा ना उसमें आपको सीधा 19 पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो फिजिक्स आपका 70 मार्क का था तो मैंने यहाँ पे 19 पुट कर दिया, केमिस्ट्री आपका 19 था, और फिजिकल एजुकेशन जो रहेगा ये भी आपका कितना रह जाएगा 90, और ये कितना है आपका आउट ऑफ 21 या फिर 10th का ये मार्क मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और 10th में जो आपका देखो 10th में जो आपका 80% था, मतलब 80 मार्क वाला जो रहेगा उसका अगर आप 30% लोगे तो 24 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21.6 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो यहाँ पर आपको 24 में से कितना लिखना है 22, तो जो आपका 80 मार्क वाला पेपर है उसमें कितना लिखोगे 22 लिखोगे, तो इंग्लिश में कितना आ गया 22, मैथ्स में कितना आ गया आपका 22, समझ में आ गया ना। तो ये 10th वाला पूरा मार्क मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, इंग्लिश और मैथ्स जो भी 80 मार्क वाले रहेंगे उसमें सेम मार्क आएगा, और जो 70 मार्क वाले रहेंगे उसमें आपका सेम मार्क आएगा, ये 10th के हिसाब से हो गया आपका। तो ये पूरी लाइन मैंने भर दिया 10th वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 11th। अब 11th में कैसा है आपका देखो, 11th में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे सेम सब्जेक्ट आपके 12th में भी रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया फिजिक्स, और मैंने इधर साइड में देखो केमिस्ट्री, इधर साइड में मैंने फिर क्या किया केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी का कर दिया है, ठीक है। इधर में मैंने फिर क्या किया ना केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी का कर दिया यहाँ पे, ये रहा आपका, ठीक है, केमिस्ट्री मैथ्स और ये फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। तो 11th में कैसा रहेगा देखो, आपको 60 मार्क मिला समझ लो 100 में से, तो कितना हो गया आपका 60/100 × 21, तो कितना जाएगा आपका 12.6 आ जाएगा, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 13 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। वैसे अगर आप मैथ्स में देखोगे तो कितना आया आपको समझ लो 70 मार्क आया है, और कितने में से 100 में से, ये 11th का ना मैं पूरा आपका 100 में से लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत लड़के बोल रहे थे कि सर हमारे रिजल्ट में तो 100 में से लिखा हुआ है, और अगर आपके रिजल्ट में प्रैक्टिकल और थ्योरी का अलग अलग मार्क है तो आपको सिर्फ थ्योरी का ही कंसिडर करके चलना है, समझ में। जैसे आपको समझ लो 60 में से 70 मार्क आए थ्योरी वाले, तो 60/70 करोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से, तो जो भी आपका स्कोर आएगा वो आपको सीधा कंसिडर करके चलना है, ठीक है। और जिन लोगों के इसमें सीधा 100 लिखा हुआ है, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का सेपरेट करके नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें आप डायरेक्टली 100 में से कंसिडर करके चलोगे, ठीक है ना, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा इसको, तो वो तो आप कंसिडर कर लोगे जो आपका थ्योरी वाला रहेगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम आएगा कि जब पूरा मार्क दिया तब कैसे करें, तो इसलिए मैं इसका अलग से बना दिया हूँ वीडियो, ठीक है। अब मैथ्स में समझ लो आपको 70 मिला 100 में से, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 24 से, यहाँ पर आप कितना ले रहे हो, ये आपका 30% है, ये भी आपका 30% है, लेकिन ये 80 मार्क वाला है इसलिए मैं 24 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये 70 मार्क वाला है इसलिए मैं 21 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12.6 आएगा, ये 16.8 आएगा, और ये 16.8 आएगा, 13, 17 अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वही अगर आप 12th में लोगों तो यहाँ पर आपको 40% लेना है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, 12th में कितना लेना है आपको 40% लेना है, 12th में आपको 40% लेना है, 11th में आपको 30% लेना है। तो वो आपने वीडियो देख लिया होगा अभी तक आपने, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे रहेगा वो। तो इसका 40% हो गया, आप तो 60 मार्क मिला समझ लो 70 में से, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 28 से, क्योंकि 70 मार्क है ना आपका, तो 70 का 40% लोगे तो कितना हो जाएगा 28, मैथ्स का आपका 32 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 80 मार्क वाला है, और फिजिकल एजुकेशन फिर से आपका किससे रहेगा 28 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसको करोगे तो आपका 24, 26, 23, ये मैंने आप डायरेक्टली राउंड अप करके लिख दिया, ठीक है। और ये जो डेटा है इसको मैं उठा के सीधा यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, कहाँ पर, जो मैं आपका रिजल्ट फॉर्मेशन कर रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने सीधा पुट कर दिया आपका, ये 10th वाला मार्क था पूरा, 11th वाला आपको बता दिया, यहाँ से देखो 20 मार्क मिला मुझे इंग्लिश में, 24 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 80 मार्क वाला इसलिए, ठीक है। तो कितना मिल गया मुझे 20 मिल गया, फिजिक्स में वैसे कितना मिल गया मुझे 15 मिल गया, और केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन का मैंने अभी दूसरे पेज पे करके बताया आपको 13, 17 आपको मिल गया वहाँ से, ठीक है। तो इसको सबको ऐड, ये हो गया आपका 11th मार्क, 11th वाला। अब 12th में देखो आपका 40% लेने वाले हैं, लेकिन 40% आपको मैंने अभी बताया जो आपका मिड सेमेस्टर या फिर जो आपने यूनिट टेस्ट दिया था या फिर जो आपका असेसमेंट हुआ था, कुछ ना कुछ तो वही होगा, तो उसमें से आपका 40% लिया जाएगा, ठीक है ना। अब वो स्कूल की कमेटी डिसाइड करेगी कि किसमें से लेना है आपको, ठीक है, जिसमें ज़्यादा मतलब लड़कों को ज़्यादा मार्क जिसमें रहेंगे वो उससे कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है ना। तो समझ के चलो मुझे इंग्लिश में 60 मार्क आया, और ये देखो ये तो आपको पता ही है कि आपका जो आपका थ्योरी मार्क रहेगा उसी में से आया होगा ये, ठीक है। तो 60 मार्क मिला मुझे 80 में से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 32 से, क्यों, क्योंकि आपका 80 मार्क वाला है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 32 से, तो कितना आ गया आपका 24। तो ये 24 कितने में से मिला आपको 32 में से, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 24, ठीक है। वैसे फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो आपका 56 मार्क हुआ है 70 में से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 20 में से, क्योंकि 70 30 वाला है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 22.4 अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम कंसिडर कर लेंगे 23, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। केमिस्ट्री का मैंने अभी वहाँ पे बताया था आपको कि किस तरीके से रहेगा, देखो केमिस्ट्री का भी दिखा देता हूँ आपको। तो केमिस्ट्री का देखो कितना है, 28 से मल्टीप्लाई करोगे 24, यहाँ पर 26 आया और यहाँ पर 23 आ गया, ठीक है। डेटा पूरा प्रोवाइडेड है, यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उठा के देखो यहाँ लिख दिया 24, 26, 23,
आगे सुन में, अब प्रैक्टिकल का तो आपको पता ही है, इंग्लिश का आपका 20 में से प्रैक्टिकल रहेगा, तो इसमें मतलब अच्छा मार्क मिल ही जाता है, 19-18 इस तरीके से मिल जाएगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री का इस बार कोरोना का टाइम था तो आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे, टेंशन मतलब 27 के ऊपर ही मिलता है मैक्सिमम लोगों को, तो 28 और 29 में लेके चलाओ, फिजिक्स में 28, केमिस्ट्री में 29, और मैथ में पकड़ के चलो आपको 18 मिला है, और फिजिकल एजुकेशन में आपको 28 मिला है प्रैक्टिकल के मार्क, ठीक है ना। ये मैंने अपने आपका रफली मतलब रफली ले लिया है, अब ये चारों का आप ऐड कर दो, ठीक है, तो ये 22 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 19, तो कितना जाएगा आपका 85, ठीक है। वैसे फिजिक्स का आप कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा 85, अभी 85 बहुत टाइम मतलब 3 बार आपका 85 ही आ रहा है, लेकिन मैं जो डेटा जो था ना वो मैंने आपका रफली लिया है, अप्रोक्सीमेटली लिया है, अभी 85 गलती से आ रहा है आपका सब में सेम सेम, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया इस तरीके से आप कंसिडर करके चलोगे तो इस तरीके से रहेगा आपका, तो आप अपने घर में बैठ कर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और मैथ्स का देखो कितना आ रहा है, 18 लेके कितना आ गया 83 आ गया, और फिजिकल एजुकेशन में आपका 28 लेके कितना आ गया 87 आ गया, तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको दिख ही रहा है इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका 85% आ जाएगा, ठीक है। तो 85% आपका एवरेज स्कोर है सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो, आया समझ में। तो इस तरीके से आप अपना 12th का जो रिजल्ट है घर बैठे इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपके जितने भी दोस्त रहेंगे जो 12th के रिजल्ट के लिए परेशान हो रहे हैं उसको आप ये वीडियो सेंड करिए और उनको बोलिए और आगे सेंड करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।